कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल हील लाइफ पर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स, आज बहुत हर्ष का विषय है कि हम मणिपुर चक्र पर चर्चा करेंगे और इसको जागृत करने का अभ्यास भी करेंगे। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, जिनमें 2 चक्रों पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र। आज तीसरे चक्र पर चर्चा करेंगे। हमारे सोलर प्लेक्सस को मणिपुर चक्र कहा जाता है। ये चक्र हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित हैं। अगर आप जीवन में ऑनर, फेम, रिस्पेक्ट, वेल्थ और ग्लोरी चाहते हैं, अगर जॉब में हायर पोजीशन चाहते हैं, अगर आप बॉडी एंड माइंड में प्योरिटी चाहते हैं, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस, विजडम, डिसीजन मेकिंग पावर और आनंदित जीवन चाहते हैं, अगर हेल्दी जीवन जीना और सुंदर दिखना चाहते हैं, तो आपको मणिपुर चक्र को बैलेंस और जागृत करना होगा। अगर डिसअपॉइंटेड हैं, शर्म महसूस करते हैं, एम्बेरेस्ड फील कर रहे हैं, तो भी मणिपुर चक्र को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्योंकि मणिपुर चक्र ऊर्जा का पावर हाउस है। आइए जानते हैं ये चक्र कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है। 10 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल, जिनका रंग तपे हुए सोने जैसा है। अग्नि तत्व प्रधान है ये। नाभि के पीछे रीढ़ में सुषुम्ना नाड़ी पर यह चक्र स्थित है। इसका बीज मंत्र है रम। मणिपुर चक्र हमारे कुछ ऑर्गन्स से जुड़ा हुआ है। यहां से निकलने वाली नस नाड़ियां हमारे उन ऑर्गन्स को प्राण से पोषित करती हैं। तो वो कौन से ऑर्गन्स हैं? पेट का ऊपरी भाग, लिवर, गॉल ब्लेडर, स्प्लीन, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन्स अर्थात छोटी आंतें, पैनक्रियास, ब्लेडर, रीढ़ की हड्डी का बीच वाला भाग। अगर हमारा मणिपुर चक्र बैलेंस नहीं है, तो इन अंगों से संबंधित रोग शरीर में आ जाएंगे। मणिपुर चक्र के जागृत ना होने से अर्थात दूषित होने से या वीक होने से क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, आइए जानते हैं। शारीरिक रोग या फिजिकल प्रॉब्लम्स जैसे पेट से संबंधित कई रोग आ जाते हैं। इनडाइजेशन, ओबेसिटी या मोटापा, शुगर या डायबिटीज, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हेपेटाइटिस, छोटी आंत से संबंधित बीमारियां, कब्ज या कॉन्स्टिपेशन, पेनक्रियास से होने वाली बीमारियां, कुछ मानसिक रोग भी आ जाते हैं जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, फियर ऑफ फेलियर, एंगर, लैक ऑफ होप एंड मोटिवेशन इन लाइफ, पेसिमिज्म। तो फ्रेंड्स, क्या करें? अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस और हील करने की आवश्यकता है। इसके लिए शांत रहें, अपने आप से कनेक्ट रहें, अपने आप को किसी भी सिचुएशन के लिए ब्लेम ना करें, चीजों को जैसी हैं वैसी ही एक्सेप्ट कर लें, तनाव ना लें। भोजन को भी चेंज करें, जैसे येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को शामिल करें, फॉर एग्जांपल पपाया, येलो कैप्सिकम, बनाना, मैंगो, व्हीट फ्लोर, डेयरी मिल्क, फ्लैक्स सीड्स, टर्मरिक या हल्दी, सनफ्लावर सीड्स, जिंजर, क्यूमिन आदि। कम से कम 10 मिनट तक धूप में बैठें।
एक और बहुत ही शक्तिशाली प्रभावशाली उपाय है योगाभ्यास करना। चक्रों के जागरण में योग का अति महत्व है, जैसे त्रिकोण आसन, अर्धचंद्राकार आसन, सूर्य नमस्कार, पश्चिमोत्तान आसन, कोण आसन, पवन मुक्त आसन, हस्त पादोत्तान आसन आदि आसनों का अभ्यास और अग्निसार क्रिया, कपालभाति प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, उड़ियान बंद का अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। तो आइए इसको जागृत करने के लिए, हील अप करने के लिए अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन, जैसे भी सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर एवं गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। सर्वप्रथम शरीर को तनाव मुक्त करें, श्वासों को सामान्य करते जाएं। धीरे धीरे श्वासों को गहरा और लंबा करते जाएं। अंदर भरे हुए श्वास को धीरे धीरे पूरा बाहर निकाल, नाभि मूल प्रयास पूर्वक रीढ़ पर, निष्कासन अंगों का संकोचन करते जाएं। पेट की मांसपेशियों को ढीला करते हुए आनंद पूर्वक श्वास को भर जाने दें कंठ तक। इस क्रिया को दोहराते जाएं। मन पूरी तरह से श्वासों के साथ मन को एकाग्र होता हुआ देखें, ध्यान को अपने भीतर लेकर जाएं। श्वास प्रश्वास की क्रिया को देखते देखते श्वास सूक्ष्म होते जा रहे हैं। और सूक्ष्म। अब मुझे श्वासों के आने और जाने का आभास भी नहीं हो रहा, ऐसा अनुभव करते जाएं। मन शांत हो गया है, स्थिर हो गया है। अपने ध्यान को लेकर जाएं, ठीक नाभि के पीछे रीढ़ पर मणिपुर चक्र, नेत्रों के सामने मन की आंखों से चित्र बनाएं। 10 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल, जिनका रंग तपे हुए सोने जैसा है, इसके बीच एक गोलाकार आकृति और उसके बीच ब्रह्मांडीय सूर्य। वास्तव में जो सूर्य बाहर ब्रह्मांड में है, वही मेरे शरीर के भीतर इस मणिपुर चक्र के बीच है। इस पर ध्यान केंद्रित करें। सूर्य से निकलती हुई दिव्य प्रकाश किरणें मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रही है। इसकी पंखुड़ियों को प्रकाशित करने के लिए इसमें कंपन आरंभ करेंगे मंत्रोच्चारण के साथ। इसका बीज मंत्र है रम। आइए 21 बार इस मंत्र का उच्चारण प्रारंभ करते हैं। ध्वनि मधुर, लयबद्ध,
श्रद्धायु हो। श्वास भरें। रम रम ऐसा भाव बनाए मेरे मणिपुर चक्र की 10 पंखुड़ियां हिल उठी हैं, उनसे दिव्य प्रकाश किरणें निकल रही हैं और ये पीले रंग का प्रकाश मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। मेरा संपूर्ण शरीर ऊर्जावान हो रहा है। मुझे अग्नि के गुण प्रदान कर रहा है। अग्नि में सात्विकता है, शुद्धिकरण है, ऊर्जा है। अग्नि सदैव ऊपर की ओर उठती है। अग्नि में चमक है, सुंदरता है। मेरे भीतर भी ये गुण समाहित हो रहे हैं।
इस शुभ अवस्था में शुभ संकल्प करें। मेरी पाचन अग्नि तीव्र हो रही है, मेरे चेहरे का तेज बढ़ रहा है, मेरी त्वचा पे चमक बढ़ रही है, मेरे शरीर के भीतर सारे रोग जलकर भस्म हो रहे हैं, मेरा मोटापा दूर हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो रहा है, मेरा लीवर, किडनी, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, किडनी, सभी अंग स्वस्थ हो रहे हैं। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, संसार में चारों तरफ मेरा मान सम्मान है, मेरी कीर्ति हो रही है, मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ करती हूँ, मैं स्वयं से बहुत प्रेम करता हूँ करती हूँ, मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ करती हूँ। इन शुभ संकल्पों को दोहराती जाएं। प्रभु से प्रार्थना करें मेरे इन संकल्पों को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। एक लंबी ओम की ध्वनि करेंगे, भरें श्वास। उंगलियों को कोमलता से नेत्रों पर स्पर्श करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। मणिपुर चक्र के बीज मंत्र रम का 21 बार अथवा 108 बार अपनी सुविधा अनुसार 10 से 15 दिन सुबह और शाम उच्चारण करने से यह चक्र जागृत होने लगता है और बैलेंस होने लगता है और हमें पूर्ण स्वास्थ्य और सौंदर्य की प्राप्ति होने लगती है। इसी के साथ हम चक्र साधना के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।